किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आपने अपने फसलों के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व या जिनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे फेरस का, जिंक का, कॉपर का या मैग्नीज का, इनका उपयोग किया होगा और ये एक अलग फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाते हैं जिसको कहते हैं चिलेटेड फॉर्म। तो ये चिलेटेड फॉर्म क्या है? चिलेटेड फॉर्म आप सब जानते हैं, आपको महंगी मिलती है। यदि आप चिलेटेड फर्टिलाइजर लाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट लाते हैं, तो एक्सपेंसिव मिलता है और आपको बताया जाता है कि आप चिलेटेड फॉर्म का यूज करेंगे तो इसके जो पोषक तत्व है उसकी अवेलेबिलिटी पौधे के लिए, क्रॉप के लिए, फसल के लिए बढ़ जाएगी और ये आसानी से पौधे को उपलब्ध हो पाएगा, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो पाएगा। तो क्या वाकई में ऐसा होता है और यदि ऐसा होता है तो इसके पीछे का क्या साइंस है, तो उसको हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि यदि ये उपलब्धता को बढ़ाता है तो कैसे बढ़ाता है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि वो कहते हैं कि चिलेटेड फॉर्म बेच करके कंपनी आपका बेवकूफ़ बना रही है, आपसे पैसा लूट रही हैं और चिलेटेड फॉर्म का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो क्या चिलेटेड फॉर्म फ़ायदा करती भी है या नहीं करती है, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और जो ये चिलेशन है, क्या ये हमें मार्केट में ही मिलती है या ये चिलेट्स जो हैं, चिलेटेड फॉर्म है फर्टिलाइज़र की, ये नेचुरल भी तैयार हो सकती है कि हम अपने खेत में हम केवल फर्टिलाइज़र डाल दें, जो नॉर्मली आने वाले हैं जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो नॉर्मल आते हैं उनको डाल दें और ये अपने आप चिलेटेड फॉर्म इसकी तैयार हो जाए खेत के अंदर, क्या ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी हम समझेंगे। वीडियो आज का बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को एक तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें और इसको जो भी खेती करने वाले किसान हैं उनके साथ इसको शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए समझते हैं चिलेट्स के बारे में, समझते हैं चिलेट्स होता क्या है, चिलेटेड फॉर्म क्या होती है, कैसे काम करती है। सबसे पहले आपको चिलेट्स का हिंदी मतलब समझना होगा कि चिलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, चिलेट्स जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसको अंग्रेजी में यदि हम कहें तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्लॉ। क्लॉ का मतलब होता है पंजा या जकड़ लेना। आप जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं कि इस पर पंजा जमा लो, पंजा जमाने का मतलब होता है कि इसको पकड़ लो, इस पर पंजा कस दो, आप ऐसा बोलते हैं, यानी कि इसको पकड़ लो, इसको होल्ड करके रखो, इसको पकड़ के रखो, थाम के रखो। तो वही ये करता है जो चिलेट्स होता है, यानी कि ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, जिंक चिलेटेड फॉर्म में है तो ये जिंक को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, या हमारा कॉपर हो या मैग्नीज हो या आयरन हो तो ये उनको पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। अब होल्ड करके रखता है तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है वो समझेंगे, तो वो आगे समझेंगे। तो आप चिलेट्स का मतलब समझ गए होंगे कि चिलेट्स का हिंदी मतलब होता क्या है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं हमारे पौधे को, वो पौधा उनको कैसे लेता है। जैसे कि हम फेरस की बात करें तो पौधा इसको लेता है Fe++ के फॉर्म में, कॉपर की बात करें तो Cu++ के फॉर्म में इसको पौधा लेता है, जिंक की बात करें तो Zn++ के फॉर्म में पौधा इसको अपने जड़ों के माध्यम से एब्जॉर्ब करता है। तो जब हम कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो नॉर्मल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं जो चिलेटेड फॉर्म में नहीं आते हैं, उनको जब हम खेतों में डालते हैं तो उसके अंदर फेरस होता है, हमने जिंक दिया तो जिंक होगा, हमने कॉपर दिया तो उसके अंदर कॉपर होगा। तो अब ये जैसे ही सॉइल में जाते हैं, मान लीजिए हम फेरस का उदाहरण ले, Fe++ जिसको हम लोहा कहते हैं, आयरन इंग्लिश में कहते हैं, तो मान लीजिए आपने फेरस जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में डाल दिया। अब सॉइल में जब ये Fe++ के, क्योंकि जो हम फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसमें Fe++ फॉर्म में ये है, तो इस सॉइल में जाने के बाद रिलीज होगा और जैसे ही Fe++ फॉर्म में सॉइल के अंदर जाएगा तो ये क्या होगा कि सॉइल के अंदर और भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि और भी कुछ पोषक तत्व पड़े हुए हैं। तो ये जो पोषक तत्व हमारा फेरस हो, कॉपर हो या आयरन हो या जिंक हो, ये फ्री फॉर्म में नहीं रहते हैं। ये क्या काम करेंगे, जैसे Fe++ सॉइल में पहुंचा, ये दूसरे एलिमेंट्स को तलाश करेंगे और उसके साथ ये कंपाउंड बना लेंगे, तो ये फ्री फॉर्म में नहीं रहते हैं। तो सॉइल के अंदर जो और पोषक तत्व पड़े तो ये उसके साथ कंपाउंड बना लेते हैं। तो जैसे हम फेरस का उदाहरण ले रहे हैं, तो फेरस जैसे ही आपकी सॉइल का pH हाई है और ये सॉइल के अंदर गया फेरस, तो उसमें जाकर के क्या करेगा, ये ऑक्साइड फॉर्म वाला हाइड्रोक्साइड फॉर्म बना लेगा, यानी कि फेरस हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जब ये फेरस हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो पौधा किस फॉर्म में लेता है, पौधा लेता है Fe++ के फॉर्म में। लेकिन ये कन्वर्ट हो गया, इसने दूसरा कंपाउंड बना लिया, एक दूसरे तत्व के साथ मिलकर के रिएक्ट किया और एक अलग कंपाउंड बना लिया, तो ये फेरस ऑक्साइड जो है इसको पौधा ग्रहण नहीं कर पाएगा। और ये फेरस ऑक्साइड जो है एक ऐसी बॉन्डिंग कर लेता है कि इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। जब ये आसानी से टूटती रही है फिर उसी फॉर्म में पड़ा रहता है तो ना तो हमारी फसल इसको उपयोग कर पाएगी और ये हमारी सॉइल में ऐसे ही फिक्स फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो इससे जो पौधे के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, यानी कि लोहे की कमी दिखने लगेगी, क्योंकि जो हमारा लोहा था उसने ऑक्साइड फॉर्म बना ली या हाइड्रोक्साइड फॉर्म बना ली। तो सारे माइक्रोन्यूट्रेंट जो भी हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, वो ऐसे ही करते हैं सॉइल में जा करके दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो हमारे पौधे को आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं यदि हमारी सॉइल का पीएच इम्बैलेंस है। और ज़्यादातर सॉइल का जो पीएच है वो इम्बैलेंस ही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, पौधा इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और हमारे सॉइल के अंदर माइक्रोन्यूट्रेंट्स की पोषक तत्वों की कमी दिखने लगती है, जिससे हमें उत्पादन में लॉस देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि अब यदि हम इनकी चिलेटेड फॉर्म तैयार कर दें, चिलेटेड फॉर्म क्या होती है, देखिए चिलेट भी दो तरीके से तैयार होते हैं। एक तो ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल तरीका होता है, जो खेत में अपने आप चिलेट्स तैयार हो जाती है। वो कैसे तैयार होती है, मान लीजिए हम ऑर्गेनिक मैटर खेत में डाल रहे हैं, गोबर की खाद डाल रहे हैं, FYM मैन्योर या हम कोई भी कैचुआ खाद डाल रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिक खाद, जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर हम खेत में डाल रहे हैं। जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोज होने के बाद खेत के अंदर बहुत सारे एसिड्स रिलीज होते हैं, जैसे कि हम साइट्रिक एसिड की बात करें, साइट्रिक एसिड हमारे सॉइल के अंदर रिलीज होता है, अमीनो एसिड्स रिलीज होता है। तो ये डिकम्पोज होने के बाद ये एसिड्स कुछ रिलीज होते हैं, तो ये भी क्या काम करते हैं, ये चिलेट्स का ही काम करते हैं। देखिए ये जो चिलेट्स होते हैं ये कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। तो जो नेचुरल तैयार होते हैं वो मैंने बताया कि डिकम्पोजिशन से तैयार होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ये जो जैसे हमारा चिलेट्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और मान लीजिए हमारे खेत में हमने फेरस है, तो वो फेरस के साथ मिल करके कंपाउंड बना लेगा, ये बाउंडिंग कर लेगा, और ये जो बाउंडिंग करता है ये सिंगल बाउंड के साथ जुड़े रहते हैं, तो इनकी बाउंडिंग बहुत कमज़ोर होती है, तो ये आसानी से टूट जाती है। जैसे ही ये जो बाउंडिंग, मान लीजिए इन दोनों ने बाउंडिंग कर ली, जो हमारे चिलेट्स हैं, जैसे हमारा अमीनो एसिड्स है, या हमारा जो सॉइल के अंदर बना है वो साइट्रिक एसिड है या ऑक्सेलिक एसिड है, तो ये एसिड क्या करेंगे, जैसे हमारा फेरस आयरन पड़ा है तो उसके साथ मिलकर के एक बाउंडिंग कर लेंगे, उसको ये पकड़ लेंगे, उसके सिंगल बाउंडिंग के साथ जुड़ जाते हैं। तो इनकी बाउंडिंग बहुत मजबूत नहीं होती है, आसानी से टूट जाती है। अब ये बाउंडिंग कर लेगा, तो बाउंडिंग कर लेगा तो जो अब फेरस है वो इसके साथ जुड़ गया, या हमारा कॉपर है वो इसके साथ जुड़ गया चिलेट्स के साथ, वो अदर एलिमेंट्स के साथ अब रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो पहले ही बाउंडिंग बना चुका है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये हमारे पौधे की जड़ों के पास पहुंचते हैं, जो ये बाउंडिंग करने के बाद ये पोषक तत्व, तो पौधे की जो जड़ें हैं वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, तो उस केमिकल रिलीज होने के कारण जो इनकी बॉन्डिंग है वो आसानी से टूट जाती है। तो जैसे ही ये पौधे के पास पहुंचेंगे तो जो हमारा चिलेट्स है या हमारा जो हमारा लोहा है, तो दोनों की बॉन्डिंग टूट जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे और पौधा जो Fe फॉर्म है उसकी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि जैसे ही पौधे के पास पहुंचता है इनकी बॉन्डिंग टूट जाती है और पौधे को अवेलेबल करा देता है। तो इस तरीके से जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, जब चिलेटेड फॉर्म उनकी तैयार रहती है तो आसानी से पौधा उनको ले पाता है, वो फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो एक तो नेचुरल तरीका हो गया, एक हो गया सिंथेटिक तरीका। सिंथेटिक तरीका होता है कि हम इनको जो चिलेट्स हैं इनको हम नेचुरल, ये एक तो नेचुरल तैयार होते हैं, एक इनको हम लैब में तैयार करें। तो लैब में जो तैयार होती है उसकी फॉर्म होती है ATTA या DTPA या EDDHA, तो ये फॉर्म होती है। और EDTA जो फॉर्म होती है वो ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादातर इसी फॉर्म में आपको चिलेट देखा होगा। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले ही जैसे कॉपर हुआ, फेरस हुआ, उनको चिलेट्स के साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके साथ जोड़ दिया जाता है और फिर हम इनको खेत में देते हैं। तो क्योंकि इनकी बॉन्डिंग पहले से जुड़ी होती है तो हम इनको खेत में देते हैं, तो ये अदर जो हमारे खेत में एलिमेंट्स पड़े हैं, पोषक तत्व पड़े हैं, उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ये उसी, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग पहले से है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही जड़ों के पास पहुंचेंगे तो जड़ों से केमिकल रिलीज होगा, और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, इनकी बॉन्डिंग जो चिलेट्स होते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो इनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत नहीं होती है। तो जैसे ही ये पौधे के पास पहुंचेंगे
तो पौधे से जैसे ही केमिकल रिलीज होगा तो वहाँ से ये अलग हो जाता है, जो हमारा चिलेट्स है वो अलग हो जाता है, हमारा जो फेरस का उदाहरण लें या कॉपर का उदाहरण लें, जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स है वो अलग हो जाता है, और माइक्रोन्यूट्रेंट जो है वो आसानी से फिर पौधा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो फिक्स फॉर्म में नहीं जाता है, और पौधे जब ये दोनों की बॉन्डिंग बनी रहती है तो ये लीच भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मान लीजिए ये फ्री फॉर्म में हो तो सॉइल सॉल्यूशन में आएगा, सॉइल सॉल्यूशन में आएगा तो पानी के साथ लीच करेगा, लेकिन जब इनकी बॉन्डिंग रहती है, फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, तो ये चिलेट्स यानी कि इनको लीचिंग को भी रोकता है, तो चिलेट्स जो है वो लीचिंग को भी रोकता है और पौधे को इजीली अवेलेबल करा देता है, इनकी मतलब ऐसे कंपाउंड्स बनने से रोकता है जो फिक्स फॉर्म में चले जाते हैं, जो फिर पौधे को अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं। तो ये चिलेट्स जो है ये काम करता है, बहुत ही बेनिफिशियल ये रहते हैं चिलेट्स। आप नेचुरल भी आपके खेत में तैयार हो सकते हैं, कि यदि आप जो आपकी सॉइल का पीएच है उसको आप बैलेंस रखें, यदि देखिए बेस्ट जो सॉइल का पीएच होना चाहिए वो 6.5 से लेके 7 तक होना चाहिए, 6.5 से लेके 7 तक आपका पीएच है तो आप उसमें मैक्सिमम क्रॉप उगा सकते हैं, आपकी सॉइल अच्छी है और ऐसी सॉइल में मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं। तो यदि आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो आप उसमें हमारे खेत के अंदर, क्योंकि कार्बनिक जो खादें हैं ऑर्गेनिक खादें हैं उनकी कमी है, तो आप उनको डालें, उनका जब डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें अमीनो एसिड रिलीज होंगे या जो हमारे सिट्रिक एसिड है रिलीज होंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रिलीज होंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पोषक तत्व पड़े हैं सॉइल के अंदर उनके साथ बॉन्डिंग करेंगे, यानी कि चिलेट्स तैयार कर लेंगे, चिलेट्स तैयार कर लेंगे तो फिर उनकी जो जो मजबूत बॉन्डिंग बनती है दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो नहीं बन पाएगी और वो हमारी फसलों को इजीली अवेलेबल हो पाएंगे, जिससे हमारे खेत के अंदर फसलों के अंदर जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी और हमारी जो फसल है वो अच्छी देखने को मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे कि चिलेट्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और यदि अभी नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।